बचपन से एक सपना था कि होममेकर होना अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में अपने लिए अपनी इंडिविजुअलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, और जब सेकेंड सेमेस्टर था तो मेरा बच्चा सिर्फ 1 महीने का था। मैं यहाँ पे एग्जाम्स देने आती थी, ये बच्चे को बाहर संभालते थे, वो छोटा सा 1 महीने का बच्चा, चम्मच से उसको दूध पिलाते थे। लगभग मुझे 7.5 साल लगे, क्योंकि पहले मैं सिर्फ पंजाब हरियाणा फोकस कर रही थी, पर मेरे पापा ने मम्मा ने सबने समझाया कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सब स्टेट्स देने चाहिए। तो फाइनली मैंने इस बार उत्तराखंड दिया था और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अपने बच्चे को जब वो 102 बुखार में है, मम्मा मत जाओ, मम्मा रुक जाओ, और फिर मैं उसको कहती नहीं बेटा मैं कल आ जाऊँगी, तो वो अपने आप में इतने सारे सेक्रीफाइसेस आते गए ना, तब लगा कि भगवान अगर इतनी दूर से ले आया तो अब नहीं रोकेगा। मम्मा को मैंने कॉल किया था कि मैं कहा मम्मा क्या करूं, कैसे होगा, बच्चा छोटा है, तो उन्होंने ये बोला था जब जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर होंगी तेरे पास, और वो थे भी। बहुत खुशी हो रही है जी। 15 दिन पहला सर्वे आया है तो साडा कॉलेज इस रीजन दे विच पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली इहदे विच फर्स्ट 10 दे विच आया, उहदे आन दा कारण फर्स्ट 10 दे विच भी इन्हां दा भी योगदान। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧਾਕ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਨੈਂਸੀ ਛਾਬੜਾ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੀਚਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਉਲ ਜਾਂਦਾ ਫੈਮਲੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ? अगर शुरुआत सोची जाए तो बचपन से एक सपना था कि होममेकर होना अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में अपने लिए अपनी इंडिविजुअलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब पढ़ाई चल रही थी, ग्रेजुएशन हम कर रहे थे, तो भगवान की कृपा ही कहनी चाहिए इस बात को कि शादी हुई, और 20 साल में शादी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये रुकना नहीं है। शादी आपको कहीं पर रोके तो फिर वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उनका एक ही होता था, जितना पढ़ना चाहती है पढ़, जो करना है हम मिलके करेंगे, क्योंकि अकेले कुछ नहीं होगा, मिलके होगा। और ऐसे ही करते करते मैंने अपनी ग्रेजुएशन 3rd ईयर भी बाद में पूरा किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और फिर जब हमारा कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मैंने 3 ईयर LLB यहाँ पे किया था, और यहाँ कॉलेज का भी बहुत ही ज़्यादा मेरे को सपोर्ट रहा। जैसे मेरा बेटा, मतलब जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, और जब सेकेंड सेमेस्टर था तो मेरा बच्चा सिर्फ 1 महीने का था। मैं यहाँ पे एग्जाम्स देने आती थी, ये बच्चे को बाहर संभालते थे, वो छोटा सा 1 महीने का बच्चा, चम्मच से उसको दूध पिलाते थे। तो ये सब अपने आप में एक बहुत मोटिवेशन अपने आप में बन जाता था कि आपको सपोर्ट करने के लिए अगर इतने जने साथ खड़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे बच्चे ने मुझे छोटे होते से ही देखना शुरू करा कि मम्मा ऐसे ही है, उसका स्केड्यूल भी वैसा ही बनना लगा। जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन कि अब रुक जाना है या आगे भी कहीं जाना है।
तो यहाँ पे हरप्रीत सर तब पढ़ाते होते थे, तब सर से मेरी बात हुई। मैं कहा सर अब आगे क्या करना चाहिए, और भी टीचर्स थे सबने मतलब बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ अगर करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस तो और देने पड़ेंगे। फिर मैं दिल्ली गई, वहाँ से मैंने राहुल ZIS से कोचिंग ली थी, एंड लगभग मुझे 7.5 साल लगे, क्योंकि पहले मैं सिर्फ पंजाब हरियाणा फोकस कर रही थी, पर मेरे पापा ने मम्मा ने सबने समझाया कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सब स्टेट्स देने चाहिए। तो फाइनली मैंने इस बार उत्तराखंड दिया था और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। असि खुशी तो देख रहे हैं सारा नहीं हैगी है, चाहे थोड़ा इतने कलीग स्टाफ होवे। मैडम उही गल आंदी है, एक माँ अपने बच्चे नू छड़ के एग्जाम देन बड़ा दिल पत्थर वर्गा करना पैंदा, भी मतलब एक फीलिंग्स हुंदी है बच्चे दी भी, पर वो चीजा तुसी बिल्कुल रखिया भी पर किनारे करके, किन्ना मुश्किल लगता सी उदों आना बच्चे नू नाल लैके, ते थोड़े हसबेंड बाहर उन्हें केयर टेक करते सी, किन्नी परेशानियां भी बहुत होंदी है, थोड़ा वो भी साझिया करो। सर अगर इसमें हम बात करें तो आपने जब ये सब बोल रहे थे तो कुछ एक दो इंसिडेंट मेरी आंखों में एकदम झलक गए। उसमें सर पहला वो था जब मैंने आपको बताया कि एक महीने का बच्चा था, मैं अंदर पेपर लिख रही थी और वो इतना ज्यादा रोया कि 15-20 मिनट इन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश करी तो वो नहीं चुप हुआ, और पेपर शायद अभी 1-1.5 घंटा ही लिखा था, 3 घंटे का पेपर में ये मेरे पास अंदर आ गए कि वो टिक नहीं रहा है, लेकिन अब तू आ जा, पेपर जितना हो गया कोई नहीं, अगर एक रह भी गया ना तो हम फिर दे लेंगे, लेकिन वो टिक नहीं रहा। मेरे को पता है मैंने वो 3 घंटे का पेपर आधे मतलब 1 घंटा हो चुका था, आधे पौने घंटे में इतनी तेज तेज लिखा, और वो कहते हैं ना माँ के पास अपने आप ही शक्ति आ जाती है कुछ करने की, तो वो पेपर खत्म हो गया और ये दोबारा आए, मतलब इनका ये सपोर्ट वहां दिख जाता है, ये वापस आए और कहते तू कर ले पेपर, मैंने चुप करा लिया, मैंने कहा अब तो मैंने कर लिया है। और ऐसे ही जब मैं प्रिपरेशन में थी तो मेरा दिल्ली का प्रीलिम्स था, मेरे बच्चे को 102 पे बुखार था, और एक दिन जाके एक दिन में ही आना भी था, उसी दिन शायद मैं चल भी देती, लेकिन वो बस में बैठ के इतना रिग्रेट था अंदर कि पता नहीं नैन्सी इतनी अनसर्टेनिटी है, कभी कुछ बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन अपने बच्चे को जब वो 102 बुखार में है, मम्मा मत जाओ, मम्मा रुक जाओ, और फिर मैं उसको कहती नहीं बेटा मैं कल आ जाऊंगी, तो वो अपने आप में इतने सारे सेक्रीफाइसेस आते गए ना, तब लगा कि भगवान अगर इतनी दूर से ले आया तो अब नहीं रोकेगा। अगर एक बार नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू, कभी 2 नंबर 4 नंबर ऐसे रह जाता था, तो मुझे ऐसे लगा कि भगवान ये तो बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, बनेगी भी जरूर, लेकिन तेरा पेशेंस चेक करना है। तो बस मैंने उसी को सोचा और गिव अप नहीं करना था, किसी भी चीज में नहीं गिव अप करना था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहते हैं ना कि पेड़ को वो पानी लाइट मिलती रहे तो वो उगता रहता है, तो वो पानी लाइट सब यहाँ से आ जाता था मेरे लिए, तो मतलब इमोशनल हो गई है। तो जिहड़े पल हैगे भुलाए भी नहीं, मतलब हिस्ट्री लिखी जाती है, मतलब इह जिहा निकल के आंदा। मैडम ते थोड़े इनलास भी होणगे, इनलास दी किन्नी सपोर्ट रही, क्योंकि सब तो वड्डी जिम्मेवारी उन्हां दी सेवा दी भी हुंदी है, क्योंकि मुंडे दा विआह करना है, नूं घर दे विच इह चीज़ां साडे पंजाब दे विच की सारे देश च चलदियां, उह किवें मैनेज कीता, उन्हां ने किन्नी सपोर्ट कीती? सर उनका सपोर्ट ऐसे था कि जब मैं दिल्ली जा रही थी तो मम्मा को मैंने कॉल किया था कि मैं कहा मम्मा क्या करूं, कैसे होगा, बच्चा छोटा है, तो उन्होंने ये बोला था जब जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर होंगी तेरे पास, और वो थे भी। और उनका सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे लाइफ में ये रहा कि उनके एक्चुअली जैसे ये 2 भाई और हैं इनके, तो 3 भाई थे, तो मम्मा ने ये जिम्मेवारी जरूर ले ली थी कि ठीक है हम आपस में मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तू अलग बैठ के पढ़ाई कर। तो उनका वो डिसीजन था कि तू अलग रह के पढ़ाई कर, क्योंकि घर में रिश्तेदार भी आते हैं, सब आते हैं, तो उनकी ये लाइन बहुत अच्छी थी कि तू यहाँ रहेगी ना तो उलझ जाएगी, अपने घर में 2 जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और अपनी पढ़ाई की ले ले, तो वो उनका सपोर्ट। अच्छा, मेरे एक वड्डी हिम्मत थोड़ी भी रही है, परिवार की सपोर्ट रही है, ये किस तो इनकरेज किस तो हुई तुसी भी आपा आज चीज करनी है, या थोनू अगे कौन लेके आया सी? सर अगर हम इसमें भी जाएं तो इसमें भी एक हिस्ट्री है, 12th के बाद मैं लॉ करना चाहती थी बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं कर नहीं पाई थी, और फिर फाइनली जैसे दिमाग में तो था कि मुझे लॉ करना है, और लॉ से भी ज्यादा मुझे ये था कि लाइफ में कुछ करना है, कि कहते हैं ना कि आपके लाइफ में कोई एम होना बहुत जरूरी है, आप चलते ही अपने एम के उससे हो, तो बस वही था कि लाइफ में हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन जिस फील्ड में आगे बढ़ी इसमें मैंने समझा कि जुडिशरी सबसे अच्छा है, और स्पेशली वुमेन की एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं जज बनी हूँ और अब तक वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप में दिख जाता है।
अच्छा मैडम ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਣਗੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂ ਉਹਨਾਂ मुझे ऐसा लगता है कि न्याय का पहला स्थान ही वही है जब कोई न्याय के लिए गुहार लगाता है. मतलब हम जस्टिस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई आएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी हम कभी किसी को कोई लड़ाई करते सुन ले तो हम इंग्लिश में एक वर्ड आता है आई विल सी यू इन कोर्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में आज भी लोगों की मतलब कॉमन मैन की बहुत ज्यादा आस्था है. उनको बहुत विश्वास है कि हमारे साथ सही होगा. एंड जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के पास सबसे ज्यादा एम्पावर होने का तरीका ही यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो और ऐसा विश्वास रखो कि सामने वाले को विश्वास हो जाएगी ये तो कुछ करके ही रहेगी. तो सब लड़कियां मेरे हिसाब से अपना एक गोल बनाओ और उस गोल पे फोकस करके सिर्फ उसी का सोचो. बच्चा 10 साल का हो गया है 11th ईयर में रन कर रहा है. वो कई बार बहुत इमोशनल हो जाता था कहता मम्मा जब रह जाता था. मेरा एक बार राजस्थान 4 नंबर से रह गया था. ऐसे ही हरियाणा भी रह गया था. तो उसको वो मुझे ऐसे लगता था शायद मुझसे भी बड़ा है. वो इतना समझदार है. तो उसने मेरे को यही बोला कहता मम्मा कोई बात नहीं ना अगली बार हो जाएगा. वो मेरे साथ पढ़ाई भी करता था. हम दोनों बैठ जाते थे. वो अपनी पढ़ाई करता था मैं अपनी. और बीच बीच में कितना कर लिया तो हमारा कॉम्पिटिशन भी चलता था कि कौन ज्यादा पढ़ेगा. सर बड़ी बड़ी मुबारकबाद है थोनू. मैडम ने नाम रोशन किया पंजाब का भी. मेहनत तो थोनू भी बहुत करनी पई है क्योंकि छोटा बच्चा संभालना. अज हुण कितनी खुशी हो रही है क्योंकि बयान तो नहीं की जा सकती पर फिर भी की कहना चाहूंगा. बहुत खुशी हो रही है जी क्योंकि देखो मेहनत करी थी तो जिस चीज़ के लिए करी थी वो चीज़ मिल गई है. उसके लिए बहुत खुशी हो रही है. बाकी इनकी मेहनत ही है जो यहाँ तक पहुँची है. मेरी तो सपोर्ट ही थी थोड़ी. बस अपने पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ. अपने आप रास्ता मिल जाएगा और जो दूर भी होते हैं ना वो भी पास आ जाते हैं. बस हमारी मेहनत दिखनी चाहिए और शिद्दत दिखनी चाहिए कि हमें कुछ चाहिए लाइफ में. और होम मेकर होना अच्छी चीज है. मैं नहीं कहती हूँ वो गलत है. लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति है ना हम डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल सकते हैं. हम होम मेकर भी बनेंगे अच्छे वाले बनेंगे और उसके साथ साथ हम अच्छे किसी भी फील्ड में हो. ऐसा नहीं कि जुडिशरी ही है. हम अच्छे टीचर बन सकते हैं. क्या नहीं कर सकते आजकल तो औरतें सब करती हैं. सब कुछ कर सकते हैं. बट अपने पे विश्वास होना चाहिए. बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल फॉलो. थैंक यू मैडम. सर गर्ग साहब की कहोगे थोड़े कॉलेज देने परिवार भी सीगा जिम्मेवारियां सोरे दा परिवार सारा कुछ होंदा है. इन्नी जिम्मेवारियां चो निकल के आए बड़ा वड्डा मान होना थोनू वेना. मान ते इन्हां ते है ही है कि इन्हां ने साडे कॉलेज दा नाम जिहड़ा है सारे पंजाब च उच्चा कीता है. पिछले हफ्ते 15 दिन पहला सर्वे आया है तो साडा कॉलेज इस रीजन दे विच पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली इहदे विच फस्ट 10 दे विच आया. उहदे आन दा कारण फस्ट 10 दे विच वी इन्हां दा वी योगदान. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਸਮੂਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ. ਸੋਏ ਸਨ ਮੈਡਮ ਨੈਂਸੀ ਛਾਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਜੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ. ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਠਿੰਡਾ.